हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है वशिष्ठ चैनल की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे आप सभी के फेवरेट योयो हनी सिंह से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसके बारे में शायद कोई भी नहीं जानता। और इस वीडियो में हम आपको योयो हनी सिंह की वाइफ के बारे में भी बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बनिए रहिएगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, योयो हनी सिंह के फैंस के द्वारा पूछे जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हनी सिंह की रियल एज और डेट ऑफ बर्थ कितनी है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, योयो हनी सिंह की डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च 1983 है, और अगर बात करें उनकी प्रेजेंट एज की तो उनकी प्रेजेंट एज है 37 साल। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो हनी सिंह के फैंस जानना चाहते हैं। तो गाइस, हनी सिंह एक ऐसे सिंगर हैं जो हाईएस्ट पेड सिंगर्स की लिस्ट में गिने जाते हैं, तो इसी वजह से उनके कई फैंस के माइंड में ये सवाल पैदा होता है कि हनी सिंह एक महीने में कितना पैसा कमाते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हनी सिंह एक महीने में लगभग 40 से 50 लाख रुपए कमा लेते हैं। और आपने हनी सिंह का अंग्रेजी बीट गाना तो सुना ही होगा, उन्होंने इस गाने के लिए 70 लाख रुपए लिए थे। अंग्रेजी बीट गाना बॉलीवुड में आज तक का पहला गाना है जिसके लिए किसी आर्टिस्ट ने 70 लाख रुपए चार्ज किए हो। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं अगले और ऐसे क्वेश्चन की तरफ जिसके बारे में जानने के लिए हनी सिंह का हर एक फैन पागल सा हो गया है। तो गाइस, हनी सिंह के फैंस के द्वारा पूछे जाने वाला अगला क्वेश्चन यह है कि हनी सिंह मैरिड है या अनमैरिड, और अगर वो मैरिड है तो उनकी रियल वाइफ कौन है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हनी सिंह ने सन 2011 में शालिनी तलवार सिंह से शादी की थी। उनकी शादी को लगभग 10 साल हो चुके हैं, और हनी सिंह अपनी वाइफ शालिनी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। हनी सिंह बताते हैं कि उनके द्वारा किए गए ज्यादातर फैशंस और उनके द्वारा डाले गए कपड़े ज्यादातर उनकी वाइफ के द्वारा ही स्टाइल्ड किए गए होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आपने हनी सिंह का फर्स्ट किस सॉन्ग तो सुना ही होगा, और उस गाने को सुनने के बाद आप इस लड़की को ना जानते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब से हनी सिंह का फर्स्ट किस गाना रिलीज हुआ है तभी से ही लोग ये जानना चाहते हैं कि ये लड़की कौन है, और हनी सिंह ने इसे अपने इतने बड़े गाने में गाना गाने का मौका क्यों दिया। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इप्सिता एक वेस्टर्न क्लासिकल सिंगर हैं, और हनी सिंह को अपने इस गाने के लिए इसी तरह की किसी फीमेल वोकलिस्ट की जरूरत थी। हनी सिंह ने यूट्यूब पर इप्सिता की कई सिंगिंग वीडियोस देखी, और उन्हें इप्सिता की गायकी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और उन्होंने इप्सिता को अपने फर्स्ट किस सॉन्ग में फीचर करने का सोचा। अगर बात करें इप्सिता की, तो जब इप्सिता से ये पूछा गया कि आपको हनी सिंह के साथ काम करके कैसा लगा, तो उनका जवाब यह था कि यह उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है कि एक इतने पॉपुलर और बड़े सिंगर ने उन्हें अपने इतने बड़े गाने में गाना गाने का मौका दिया। तो गाइस, इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और अगर आप योयो हनी सिंह से जुड़ी और बातें भी जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वी वांट वन मोर वीडियो। हम जल्द ही ऐसी एक और वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए गाइस, अब मैं चलता हूँ, और अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए चलता हूँ, बाय।